नमस्कार। आज पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम में उपस्थित आम समस्त अत्यंत श्रद्धेय श्री शांतनु कुमार आचार्य महाशय, श्रीमती ममता दास महाशया, श्रीमती जशोधरा मिश्र महाशया, श्रीमती अर्चना नायक महाशया, गुरु बाबूंकर धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि महापात्र, तांकर सुपुत्र दीप्तिमान जीमूत बरण तथा आज कार्यक्रम संचालिका पौरोहित्य करुथबा ओडिशार विशिष्ट साहित्यिक श्रीमती परमिता शतपथी महाशया तथा आज कार्यक्रम रे ये टेक्नोलॉजी माध्यम रे जोड़ी होता ओडिया साहित्यर मूर्धन्य व्यक्तित्व महापात्र नीलमणि साहूंकर साहित्यर अनुजाई माने तथा गुरु बाबूंकु श्रद्धा करुथबा स्नेह करुथबा समस्त अभिभावक माने साथी माने भाई भोनी माने मो पई एक मिसामिशीर अनुभव आज मिसामिशी कहूँ जे आज मु देशर शिक्षा मंत्री दायित्व नबा परे प्रथम सामाजिक कार्यक्रम को आसी ए भितर मु किछि सरकारी कार्यक्रम रे भाग नहीं छी किंतु सामाजिक कार्यक्रम रे आज प्रथम थर करके आसुची मो पई एक सौभाग्यर दिन जे मु महापात्र नीलमणि साहूंक भलिया महापुरुषंकर गल्प संकलन जहाँ को कि सुपुत्र सुयोग्य संतान गुरु बाबू प्रचेष्टा करी प्रकाशित करते से भलिया एक विभूतिंकर किछि साहित्य जो साहित्यर वर्णन एवं इटि आमर गुरुजन माने करुथले इतिहासर संधिक्षण रु वर्तमान रो आह्वान पर्यंत अनेक दर्शन अनेक प्रेरणादायी कथा श्री महापात्रंकर साहित्य रु मिले से भलिया विभूतिंकर आज एक अमूल्य संपद को लोकार्पण करिवार आपण माने मते सौभाग्य देले मु कृतज्ञ। अन्य कथाटी मिसामिशी पई कहितली जे एटा आज भी विश्वास योग्य नुहे जे गुरु बाबू आम भितर नाहंती अप्रैल मासरे जितेबले मार्च मास किमा गत थरर कोरोना जितेबले देश को प्रभावित करथिला सरकारक तरफरु भारत सरकारक तरफरु किछि गुरुत्वपूर्ण सचिव समूह मानकर कमिटी गठन करा जायथिला एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी ईजीएस बना जायथिला आ सबुठु जोटा महत्वपूर्ण कमिटी थिला माने देशर मेडिकल रिक्वायरमेंट इमरजेंसी मेडिकल रिक्वायरमेंट को सेतेबेलर पीपी किट हो किंबा आजीर ऑक्सीजन हो एई थरर ऑक्सीजन हो याकु एकाठी करिवार दायित्व प्रधानमंत्री निजे तांकर अत्यंत विश्वस्त तांकर अत्यंत भरोसार अधिकारी गुरु बाबू को देथिले दायित्व मु एई थरर जेतेबेले कोरोना हैला बंगाल रे मु थिली निर्वाचन कामरे सेठु मु देशर विभिन्न अंचल कथा तथा विशेष करके आम राज्य ओडिशा कथा मु बुझुथली सेतेबेले शेष पर्यंत गुरु बाबू मेडिकल को गला परे भी मु बंगाल रे रहिकि जानि नथिली जे गुरु बाबू ए भितर हॉस्पिटलाइज हो जाइछन्ते मु तांक संगरे सेतेबेले भी आलोचना करथुली बुझुथली जे कोन कोन करा जाय पारे कोन कोन करा जाउछि कोन कोन पदक्षेप से नौछन्ते मोर विभाग गुड़िक केमती तांकु सहयोग करि परिबो विशेष करके गुरु बाबू को एक कथा के जानु न जानु प्रधानमंत्री आकु तांका मन की बात रे एई पई उल्लेख करथिले गत थरो जे देश रे जो ऑक्सीजन क्राइसिस हला हम देश रे एते ऑक्सीजन केबे आवश्यकता नथिला गत थरर कोरोना रे पीक बेले 2500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन अधिका दरकार हेतला नहले भारत रे 1200-1300 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हुए ए थर देशर आवश्यकता 9000-10000 मेट्रिक टन पर्यंत गला
याकु एक प्रकार उपलब्ध करेबारे जदि सबुठ अधिका श्रेय कहाकु जीवो ताले गुरु बाबू को जीवो आज याकु करु करु मझे मझे केबे लागे यदि गुरु बाबू अन्य मानक भलिया दायित्व न नैकी घरे रही जाइथंते ताले देशरे ऑक्सीजन अभाव हेथंता किंतु गुरु बाबू बथे वंचितांते बोधुए आज तांको परिवार को भगवान आशीर्वाद करंतु साहाय्य करंतु जो आम ओडिया परंपरा रे अछि जो विषय रे बे शांतनु बाबू उल्लेख करथले जामे तांकर जन्म समर कथा कहथले 23 मसिया कथा मने पकोथले 33 मसिया कथा मने पकोथले स्वाधीनता रो एकदम पीक बेल से गुडा का स्वाधीनता पई आंदोलन रो पीक बेल कथा 23 रु नीलमणि बाबू को स्वाधीनता बेले 47 बेलू को युवक अवस्था शांतनु बाबू को युवा अवस्था मन भितरे नुआ नुआ कथा नुआ नुआ कल्पना से समय साहित्य आज आम लोकार्पण कले से साहित्यर संस्कार कारण आज गुरु बाबू धर्मपद हेले निजे निजकु रिस्क रे रखिक निजकु एक प्रकार बलिदान देख आज देश पाई मानवता पाई एक नुआ उदाहरण कले ऑक्सीजन इंपोर्ट करा जाई पारे एबे एबे बांग्लादेश को जिते ऑक्सीजन रा आवश्यकता एबे पड़िला हमें भारत रु ऑक्सीजन पठेले गुरु बाबूंकर ये जो ऑक्सीजन आयोजन ये को मु परवर्ती समय रे आसी की विदेश रु ऑक्सीजन आसीबा काम रे लागी थिली अधिका टैंकर आनिमा काम रे लागी थिले आमे समस्ते किंतु ये कोठी ना कोठी भारत रो कोरोना रो प्रबंधन पीपी किट हो किंबा ए थर ऑक्सीजन जुगाड़ हो गुरु बाबू को ना एई पाई शताब्दी धर के लोक मने पकेबे जे केई जने अधिकारी थिले केई जने संवेदनशील व्यक्ति थिले जिए ए दायित्व नहीं थिले से भले एक गुठे पटे आनंद साहित्य जेते पुरुणा हबो जेते नुआ रूप रे आसीबो साहित्य भविष्यत्र मार्गदर्शन करे ये साहित्य को पढ़िकी मनुष्य तार संवेदनशीलता जो कथा इठी श्रद्धेय जिमूत वरण उल्लेख करथले जे गुरु बाबू तांको बापांक संपर्क रे काही के पुस्तक को प्रकाश करा गला जाकु की हमर मुरुधन व्यक्तित्व माने तांको शैली रे उल्लेख करले गुरु बाबूंकर परिवार तरफरु तांको पुत्र ताकु तांकर भावना को उल्लेख करले ये सब को मिसेले आज उभय व्यक्तित्व को याटु भलो किछि मने पकेबार अवसर नहि पारे महापत्र नीलमणि साहूंकर साहित्य जो साहित्य रे गुरुबाबू प्रेरित हेतिले समाज रो अनेक व्यक्तित्व प्रभावित हेतिले ओडिया जाति प्रभावित हेतिला जो संस्कार कारण रो साहित्य संस्कार तयार करे जो संस्कार कारण रो संस्कार रो प्रभाव एथर देश देखिला आज ये अवसर रे याकु निश्चित शुभ कहिबो दुख तिला परे भी याकु शुभ कहिबा याकु सेलिब्रेट करिबा याटु प्रेरणा नबा ए पाई जे आम जाति रे आम साहित्य रे आम भाषा रे ए प्रकार अनेक उदाहरण अछि आमे एई पई गर्वित हो जे आमे धर्मपदर दायत आमे बाजीराउत्र दायत
आमे एई आउ थरे आनंदित हबा जे आमे गुरु बाबूंकर शुभेच्छु समर्थक अनुजाई बंधु बड़ परिवार सदस्य आपण माने कम माने आपण ओडिया बंधु माने गुरु बाबूंकर गोटिए व्यक्तित्व को गोटिए महापात्र नीलमणि साहूंकर पुत्र भावे जानिथिबे मु विगत किछि वर्ष धरिकी विशेष करी गुरु बाबूंकु गला परे गुरु बाबूंकर व्यापकता सर्वभारतीय स्तर रु बुझिछ विशेष करी जो राज्य रे से कर्मभूमि भावे ग्रहण कले गुजरात रो सामाजिक जीवन रु सूरत रो सामान्य ओडिया श्रमिक भाई हो किंबा गुजरात समाज जीवन रो बड़ शिक्षाविद हुंतु किंबा बड़ उद्योगपति हुंतु ए प्रकार को व्यक्ति मु पाई नै जो व्यक्ति गुरु बाबूंक गला परे दुख प्रकाश करेनी किंबा गुरु बाबूंक खूब मने पकेनी एटा एक प्रकार मते गर्वित करला मते निश्चित भावे गुरु बाबूंक प्रति मो मन भीतर थिबा जो श्रद्धा जो सम्मान थिला आज तांकर निधन परे भी अधिका बढ़ेछि आज अवसर रे आपण समस्तंकर ये गरिमामय उपस्थिति उभयंकर साहित्यर स्रष्टा तथा मानव जाति पाई सेवा करथिबार उदाहरण बनिथिबा गुरु बाबू उभयंक पाई भगवानक पखरा मोर समस्तंकर सामूहिक प्रार्थना रहिबो प्रभु तांकु आहुरी पाखरे रखंतु ये विचार ये प्रेरणा ये आदर्श पुरुष पुरुष धरिक आगे जाऊ पीढ़ी पीढ़ी धरिक आगे जाऊ आ परिवार को महाप्रभु जगन्नाथ कर आशीर्वाद रहू आम समस्त शुभेच्छा सदिच्छा रहू आप समस्त को आउ थरे धन्यवाद नमस्कार।